और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन भेजा है। अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने अखिलेश को कल बतौर गवाह के तौर पर बुलाया है। बतौर गवाह अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे, सपा मुखिया अखिलेश यादव को सीबीआई की ओर से समन भेजा गया है और बतौर गवाह उन्हें समन भेजा गया है, क्योंकि 2012-13 में खनन का प्रभार उनके पास था। और ऐसे में आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि उस वक्त ये घोटाला भी हुआ था, खनन घोटाला। और बड़ी संख्या में आप भी देखते होंगे कि किस प्रकार से खनन माफियाओं का एक जाल उत्तर प्रदेश में चला करता था। और अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा है और बतौर गवाह के तौर पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल अखिलेश यादव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे, लखनऊ से सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन भेजा है और बतौर गवाह यानी कि गवाह के तौर पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये बड़ी खबर, कल अखिलेश यादव सीबीआई के समक्ष पेश होंगे। हालांकि वो पेश होंगे कि नहीं पेश होंगे इस पर अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन सीबीआई की ओर से अखिलेश यादव को समन भेजा गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि 2012-13 में खनन का प्रभार अखिलेश यादव के पास था। तो जरा समझिए कि क्या है पूरा मामला, अखिलेश सरकार का ये पूरा मामला है, यानी कि अखिलेश यादव की सरकार का ये पूरा मामला है। अखिलेश के पास था खनन मंत्रालय, यानी कि उस वक्त खनन मंत्रालय अखिलेश यादव के पास था। 2012-13 में अखिलेश यादव के पास इसका प्रभार था और उस वक्त ही ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। 2016 से घोटाले की जांच चल रही है, हाई कोर्ट के आदेश पर जांच चल रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, अब सीबीआई की ओर से समन भेजा गया है और अखिलेश यादव कल पेश होंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई ने अखिलेश यादव को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया है, यानी कि अखिलेश यादव को बतौर गवाह के रूप में इस पूरे मामले में एक तरीके से पेश होना पड़ेगा। और कल ही जानकारी मिल रही है कि 29 फरवरी यानी कल के दिन ही अखिलेश यादव को सीबीआई के समक्ष पेश होना पड़ सकता है। हालाँकि अभी भी अखिलेश यादव को ये फैसला करना है कि वो सीबीआई के समक्ष पेश होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि पिछले कुछ मामलों में हमने देखा कि तमाम पीयूष, हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। लेकिन अखिलेश यादव को सीबीआई की ओर से समन भेजा गया है, क्या अखिलेश यादव पेश होंगे कल? देखिए, हमारे जो वकील हैं, वकील लोगों से परामर्श करके आगे का निर्णय राष्ट्रीय जी लेंगे। लेकिन आगे बात देखिए, इस तरह के हम लोगों को पता था जैसे जैसे चुनाव आएगा उस तरह से ईडी सीबीआई सब की आमद जो है विपक्ष के नेताओं के यहाँ आएगी, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। तो हर जगह यही हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो इसमें हम लोग डरने वाले नहीं है। चाहे ईडी भेजे, चाहे सीबीआई भेजे या जो भी एजेंसी है, हम लोगों ने जब कोई गलती नहीं किया तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी अशोक जी, 2016 से ये मामला चल रहा है, 2016 से जांच चल रही है, तो इसमें अभी कुछ नया तो नहीं है कि नया नया जांच शुरू हुआ है? देखिए, ऐसा है कि मामला चाहे 2016 का हो या 2024 का हो, मामला ये है कि जो भी नेता लोग जो भाजपा में चले जाते हैं उनके ऊपर जांचें क्यों बंद हो जाती हैं? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। जो विपक्ष के नेता हैं उनके पीछे जो 10 साल पुराना 5 साल पुराना मामला इस तरह से खोज के ला कर चुनाव के पहले का ये सब खाली शगुफा है, चुनाव के पहले ताकि हरास किया जा सके, एजेंसियों के माध्यम से डरवाया जा सके, धमकाया जा सके, ये सब प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, अनवरत चलेगी 2024 तक। आप देखेंगे अभी बहुत सारे समान आएंगे, आज अखिलेश जी के आ रहे हैं, कल किसी और के आएगा, क्योंकि विपक्ष के सारे नेता हिट लिस्ट में है, बारी बारी से आता रहेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं हम लोगों के लिए। हम लोग उसी मजबूती से
इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने काम करेंगे और अपने जो 80 हराओ भाजपा हटाओ के मिशन को हम लोग इसी तरह से अनवरत रूप से चलाते रहेंगे। जी यानी कि अशोक जी समझा जाए कि कल सीबीआई के समन पर अखिलेश यादव पेश होंगे, गवाह के तौर पर वो पेश होंगे। देखिए मैंने कहा आपको कि हमारे जो वकील हैं उन लोगों से सलाह मशवरा करके जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रीय जी बताएं। आप ही तो कह रहे हैं अशोक जी कि हमने कुछ गलत नहीं किया है और हम मजबूती के साथ खड़े होंगे, तो फिर गवाह के तौर पर तो पेश होना चाहिए ना अखिलेश यादव को। नहीं देखिए हमारे जो लीगल टीम है लीगल टीम से सलाह मशवरा करके जो भी लीगल होगा इशू उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी यानी कि आप अभी स्पष्ट तौर पर नहीं बता रहे हैं कि अखिलेश यादव पेश होंगे कि नहीं होंगे, पहले सलाह मशवरा किया जाएगा कि पेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। जी जी क्योंकि देखिए 2016 से ये मामला चल रहा है, हाई कोर्ट ने कहा है जांच के लिए, हाई कोर्ट के आदेश पर ये जांच चल रहा है, तो इसका तो आप सम्मान करेंगे ना कि कोर्ट के आदेश पर ये जांच चल रही है। हम लोग तो सबका सम्मान कर रहे हैं, हम लोग ईडी का सम्मान कर रहे हैं, हम लोग सीबीआई का सम्मान कर रहे हैं, हम लोग इनकम टैक्स का सबका सम्मान कर ही रहे हैं, हम लोग सम्मान करते रहेंगे। ये तो सम्मान ही है, सम्मान एजेंसियों का हमारे प्रति झलक रहा है चुनाव को देखते हुए, जो सम्मान है ना है, तो ये सब सम्मान हम लोग बहुत दिन से देखते आ रहे हैं और आगे भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कुछ सियासत रची जा रही है? ये सियासत के अलावा कुछ नहीं है, इसके पीछे सियासत के अलावा। ठीक है अशोक जी, ठीक है ठीक है अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हरीश चंद्र भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। हरीश जी आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। अशोक जी कह रहे हैं कि चुनाव है इसीलिए ईडी सीबीआई तो भेजेंगे ही, हम तैयार हैं इसके लिए। ठीक है अगर वो निर्दोष है तो हमको उसको प्रूव करना चाहिए, और जहाँ तक माननीय न्यायालय के आदेश से जांच हुई थी, जांच के आदेश हुए थे, अब अगर जांच एजेंसी उसमें पूछताछ करना चाहती है, तथ्यों के बारे में जानकारी चाहती है, जो तथ्य होंगे इन एजेंसियों के पास, तो उन तथ्यों के बारे में तो वही बता सकेंगे, तो इसलिए वो तो उनको कानून का सम्मान करना चाहिए और जो जो संवैधानिक संस्थाएं उनका सम्मान करना चाहिए, और अगर वो उस मामले में भाग साफ है तो उनको फिर काहे बात की इसको लेकर के चिंता। क्योंकि हरीश जी अशोक जी ये कह रहे हैं कि 2016 से मामला चल रहा है, लेकिन अभी समन के लिए इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि 2024 का चुनाव है और 2024 तक इसी तरह से ईडी सीबीआई को भेजकर विपक्ष को परेशान करते रहेंगे। नहीं देखिए इससे इन एजेंसियों की अपनी एक कार्यशैली है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ये एजेंसियां काम करती हैं, तो अब उसमें मैं भी ये कह सकता हूँ कि ये जो इनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरोप है, ये तो कोई भी कह सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि माननीय न्यायालय के आदेश से जांच का आदेश हुआ था, अब उसका सम्मान करना चाहिए उनको। ठीक है ठीक है।